जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि सोलर सेल या सोलर पावर प्लांट होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। ये तो हमें डीसी करंट देता है और हम लोग को एसी मिल जाता है। ये सोलर प्लांट भी दो तरह के मिले होंगे, एक ब्लैक कलर के मिलते हैं, एक ब्लू कलर के मिलते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने वन सन वन ग्रिड की बात की, जो बहुत पहले ही इन्होंने इंटरनेशनल सोलर एलियंस की बात कह दिया था और वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की भी बात किए थे। ये कैसे वर्क करता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सोलर सेल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है सिलिकॉन की, और सिलिकॉन हमें आराम से मिल जाता है, जो रेत होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। इस रेत को हम बालू को जो कार्बन है कार्बन के साथ मिलाकर इसे भट्टी में 2000 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर से हम आसानी से सिलिकॉन को निकाल सकते हैं। यह सिलिकॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। यह सेमीकंडक्टर होता है, यानी कुछ ऐसे कंडीशन है कि जब ये करंट को फ्लो करने देगा और कुछ कंडीशन में ये करंट को फ्लो करने नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, इसी का यूज किया जाता है। सिलिकॉन की जो बाहरी सेल होते हैं उसमें चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सिलिकॉन को हम लोग डोपिंग कराते हैं। डोपिंग आप सुने होंगे, जब कोई मैच वगैरह खेलता है या कोई धावक होता है तो कई डोपिंग का इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो दौड़ने लगता है तेज। बहुत से लोगों को डोपिंग पर बैन है, जो खेलने जाते हैं लोग उन लोग के डोपिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो दवा के प्रयोग से अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इस सिलिकॉन में हम डोपिंग कर देते हैं, इसमें अलग से कुछ मिला देते हैं। तो किसी दूसरे एलिमेंट में दूसरे चीज को मिला देना डोपिंग कहलाता है, एक तरह से कहिए अशुद्ध कर देना डोपिंग कहलाता है। यह डोपिंग दो चीजों से की जा सकती है। एक अल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं, इसमें सिलिकॉन में कुछ मात्रा में हम अल्युमिनियम इंजेक्ट कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। अब अल्युमिनियम की खासियत क्या है कि इसके बाहरी जो सेल है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने चाहिए बाहर में, चार। तो हम जब इसमें अल्युमिनियम डालते हैं तो इसको चाहिए था चार, अल्युमिनियम के पास है तीन, तो चार चाहिए तीन है, तो इसको अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो जब हम सिलिकॉन में अल्युमिनियम की डोपिंग कर देते हैं ना, तब ये सिलिकॉन एगो इलेक्ट्रॉन खोजने लगता है, रे 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 कहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, थड़ाक से खोजने लगता है। लेकिन हम जब अल्युमिनियम की डोपिंग ना करके फास्फोरस की डोपिंग करते हैं तो फास्फोरस की बाहरी कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। पहली कक्षा में दो गया, फिर दूसरी में आठ, दो आठ दस हो गया, बचा पांच। जब हम पांच संयोजक पदार्थ जैसे फास्फोरस को हम अगर इसमें डोपिंग करा देते हैं तब क्या होता है, इसको चाहिए कितना था चार, अब फास्फोरस जब मिला है तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितना है पांच। अब क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा हो जाएगा, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो खोज निकालने लगेगा, भाई किसी को चाहिए इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हमारे पास क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, पहले ये चार था। तब चार वाले में इसको कंफ्यूजन रहता है कि हम दे चार इलेक्ट्रॉन या ले ले, लेकिन जैसे डोपिंग कराते हैं तब इसके अंदर एक निगेटिव एक पॉजिटिव का गुण आने लगता है। फास्फोरस की डोपिंग करा देंगे तो ये पांच इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसलिए इसमें निगेटिव की अधिकता हो जाती है। और अगर आप इसमें अल्युमिनियम दीजिएगा तो अल्युमिनियम में तीन ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही निगेटिव होता है तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस तरह के सिलिकॉन को हम निगेटिव सिलिकॉन या एन टाइप कहते हैं। और जब अल्युमिनियम मिलाएंगे तो अल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होती है तो उसमें क्या करेंगे, हम पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन या पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं। इस तरह से हम सिलिकॉन को दो भाग में बांट सकते हैं, एक पी टाइप वाला सिलिकॉन इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है और एक एन टाइप सिलिकॉन इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एन मतलब हो गया निगेटिव। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है, जहां जाएगा वहां निगेटिव कर देता है। तो इस तरह से एक निगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं जिसे हम पी टाइप और एन टाइप कहते हैं। ये सिलिकॉन के दो अलग अलग टाइप है जो डोपिंग के बाद बने। जब हम इसको आपस में जोड़ते हैं ना तो देखिए सिलिकॉन तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप जब देखिए कि ये निगेटिव क्यों बना था, ये निगेटिव इसलिए बना था क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यानी फास्फोरस ज्यादा था, तो वो फास्फोरस इस साइड में आ जाएगा, सिलिकॉन के एटम को उधर छोड़ देगा। और इसको अगर देखेंगे तो ये पी टाइप वाला पॉजिटिव क्यों बना था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जहां इलेक्ट्रॉन कम होता है वहां एक क्वार्टर या होल हो जाता है, तो इस वजह से उसे पॉजिटिव कहते हैं। इसमें क्या मिलाया गया था, तो अल्युमिनियम, अल्युमिनियम इधर आ जाएगा और ये अपने अपने पॉजिटिव निगेटिव को शेयर कर लेंगे सब। जैसे शेयर करने लगते हैं सब तो बीच का एक एरिया को डिप्लेशन जोन कहते हैं, ये एरिया इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे बढ़ने नहीं देता है, तो इस तरह के एरिया को हम पीएन जंक्शन कहते हैं कि इधर पी है और इधर एन है, मिलने वाले टाइम जगह को बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब ये पीएन जंक्शन से हम इलेक्ट्रॉन कैसे बहाएंगे, देखिए ये है निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर हम इसको हीट दे दें, गर्मी दे दें इधर से, अगर इधर से हम हीट दे देंगे ना तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, निगेटिव टाइप था, और
हीट पाएगा ना तो इसके अंदर का न्यूट्रॉन जो है बाहर निकलने लगेगा। अब निकलने लगेगा, ये क्या करें, इधर से मत जा बट इधर से हम जाने नहीं देंगे क्योंकि ये डिप्लेशन जोन है, इधर से नहीं जाएगा। अब उसको निकलना है, जाएगा कैसे, तो आप इधर से एक वायर जोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलने लगेंगे सर, इस टाइप से इधर से निकल जाएंगे सर। अब यहाँ पे तो स्विच कटा हुआ है, इस स्विच को जोड़ दीजिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया सर, सर्किट पूरा हो गया। अब अगर आप यहाँ पर एक बल्ब लगा देते तो ये बल्ब जल जाता। तो आप समझिए कि जो हम पीएन जंक्शन बनाए हैं, इस पीएन जंक्शन में केवल निगेटिव वाले को हम हीट दे देंगे, एक्साइटेड कर देंगे इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का बहना ही तो करंट कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यहाँ हम इसमें एक लोड यानी बल्ब लगा के देखते हैं। यहाँ देखिए ये रेड वाला जो है ये पॉजिटिव टाइप है, यहाँ पर कोटर या होल पाया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बीच में डिप्लेशन जोन है इसलिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। अब हम यहाँ से इसे हम हीट दे देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब जैसे गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर से भागेगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, यहाँ से बैटरी लगा दिए हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जाएगा, अब ये बल्ब है, अब इस बल्ब को क्या करेगा, बल्ब है तो इस बल्ब को होते हुए जाएगा, जैसे बल्ब से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा बल्ब जल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये सर्किट, यहाँ पे बल्ब जल गया। हमको खर्चा क्या आया, केवल यहाँ से हीट देने का। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हीट देने से तो अच्छा है ना कि सूरज की रोशनी दे देते हैं, सूरज की रोशनी भी क्या करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर आएगी तो वो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। अब इसमें एक और समस्या थी कि सूरज की रोशनी हमको केवल एन वाले पे देना था क्योंकि एन में निगेटिव है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो वैज्ञानिकों ने ना इसको उल्टा कर दिया, यानी पी टाइप को नीचे कर दिया और एन टाइप को ऊपर कर दिया और इससे बना दिया सोलर सेल। सोलर सेल में अगर कहेगा कि कौन से जंक्शन का प्रयोग करते हैं तो पीएन जंक्शन, लेकिन याद रखिएगा सोलर सेल में निगेटिव वाला ऊपर रहता है क्योंकि निगेटिव वाला ना इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव वाला नीचे रहता है। दूसरा चीज, निगेटिव वाले की थिकनेस चौड़ाई बहुत कम रहती है। देखिए ऐसे तो सोलर प्लेट खुद ही इतना पतला रहता है लेकिन उसमें भी निगेटिव वाला कम पतला रहता है और पॉजिटिव वाला थोड़ा सा मोटा रहता है, ये पतला ये मोटा रहता है। कहेगा किसमें डॉपिंग यानी किसमें अशुद्धि ज्यादा मिलाया गया है, तो निगेटिव वाले में डॉपिंग ज्यादा कर दी जाती है। अब इसमें कर दिए आप डॉपिंग, यहां से देखिए आपका क्या इंसिडेंस लाइट है, यहां से लाइट आ रहा है, जैसे लाइट इस पर आएगा अब ये निगेटिव टाइप में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और ये पॉजिटिव वाला कहेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मान लीजिए आप कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है आ जाओ आ जाओ, अब आपको मान लीजिए आपके वाली बुला रही है आपके आ जाओ, आने से आगे से रास्ते नहीं है तो पीछे से घूम के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये पॉजिटिव वाला इसको बुला रहा है आ जाओ आ जाओ, इधर से रास्ते नहीं देगा, ये डिप्लेशन जोन है, तब ये इधर से जाएगा। अब यहां से जाएगा तो आपका मन है तो आप यहां पे बल्ब जोड़ दीजिए, पंखा जोड़ दीजिए, और नहीं तो यहीं से एगो तार जोड़ के बिजली के खंभा पे लेके चल जाइए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा सीधे बिजली के खंभा पे, अब बिजली के खंभा से जितना घर जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो यही होता है आपका सोलर सेल। इस सोलर सेल की एक खराबी क्या है कि ये जो करंट बनाता है ये डायरेक्ट करंट बनाता है, क्योंकि आप देखेंगे डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती है, ये इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है। अब ये डायरेक्ट करंट को तो आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए डायरेक्ट करंट डीसी के जगह पे आपको क्या चाहिए एसी में, तो डीसी को एसी में बदलने के लिए एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इससे जो एनर्जी आती है इसको आप बैटरी में स्टोर करके जब घर में चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इन्वर्टर लगा सकते हैं। अगर स्टोर करना है तो बैटरी की जरूरत है, और आप चाहते हैं स्टोर नहीं करना है डायरेक्ट यूज करना है, जैसे सूरज निकला सोलर प्लांट से लगा के तुरंत, तो बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तब बैटरी की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या किया जाता है, जो सोलर पार्क होते हैं बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट, इसमें क्या है कि खुद ही इतना जगह लिए रहते हैं, इसका करोड़ों का बजट आ जाता है। अब बैटरी खरीदेंगे तो उस पर अलग से पैसा, इसलिए ये लोग बैटरी नहीं खरीदते, सीधा सोलर प्लांट बिछा दिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और यहीं पर लगा देते हैं एक ठो यहाँ पर ये लोग अपना इन्वर्टर, सारा करंट को एक जगह स्टोर करके इन्वर्टर ले आते हैं, इन्वर्टर उस करंट को एसी में बदल देता है। ट्रांसफार्मर आपको पता है कि डीसी में काम नहीं कर सकता है, ट्रांसफार्मर का वीडियो बना चुके हैं। ये क्या करेगा ट्रांसफार्मर, इस इन्वर्टर द्वारा बनाए गए एसी करंट जो है इसके वोल्टेज को बहुत बढ़ा देगा और ये तुरंत सीधे दे देगा ग्रिड को। अब ये ग्रिड पहुंचा दीजिए आपको जहां पहुंचाना है, जिस शहर में पहुंचाना है। तो जो हम लोग जो बनाते हैं उसके लिए बैटरी की जरूरत है, लेकिन जो गवर्नमेंट बिजली बनाती है वो बैटरी का यूज नहीं करती है और डायरेक्ट ग्रिड में ले जाके भेज देती है।
देखिए जो सोलर सेल होते हैं इसके कई लेयर होते हैं। आप ये वाला जो लेयर देख रहे हैं ये तो कोई लेयर ही नहीं है, ये तो फ्रेम है अल्मीनियम का। आप खरीदेंगे तो साइड साइड में लोहा का इसे सेट किया रहता है, स्टील का वो फ्रेम है, वो मजबूती के लिए दिया है। मेन जो होता है इसके ऊपर एक शीशे की परत होती है, ग्लास। ये तो फ्रेम हो गया, ये तो साइड से लगा रहता है केवल, ऊपर से तो कुछ नहीं होता है। तो ये एक शीशा का ग्लास होता है। ये ग्लास क्या करता है, इसको चोट से बचाता है, स्क्रेच से, धूल से, इस सब चीज़ों से बचाता है, पानी उनी घुसने नहीं देता है। ये शीशा का सबसे बड़ा काम क्या है कि अगर आप इस शीशे को नहीं लगाते ना तो जो सोलर एनर्जी इस पर आती वो 50% रिफ्लेक्ट कर देता है, ये सोलर सेल भेज देता। तो भाई जब इसको जितना एनर्जी मिल रहा है उसका वापस भेज देता तब तो आपका काम ही नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ लगा दिया जाता है शीशा। ये जो शीशा होता है ये केवल 5% ही प्रकाश को वापस लौटने देता है, उसके सिवा प्रकाश को लौटने नहीं देता है। इसके अंदर एक कोटिंग की जाती है, इनकैप्सुलेंट की लगा दिया जाता है। ये क्या करता है इनकैप्सुलेंट, इसको मॉइस्चराइजेशन से बचा देता है, नमी नहीं होने देता है, और जितना भी एनर्जी आया है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाली जो परत होती है ना यहाँ जस्ट शीशे के नीचे वाली ये परत, ये पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कि ये जो सोलर सेल लगा हुआ है ये ब्लू कलर का, ये पूरी तरह से इसको एनर्जी मिल सके। और आप सोलर सेल का जो मेन हिस्सा तो सोलर सेल है, इसका कंस्ट्रक्शन समझ ही गए हैं। इसके दो लेयर होंगे, ऊपर वाला एन टाइप, नीचे वाला पी टाइप। हो गया, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पी टाइप में जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। नीचे फिर एक ठो हम लोग कोटिंग लगा देते हैं और उसके नीचे एक ठो सीट लगा देते हैं जिसपे सारे चीज को सेट किया जाता है। और इससे जितनी भी करंट आती है उसको यहाँ पर हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जिसे जंक्शन बॉक्स कहते हैं, और यहीं से करंट की सप्लाई भेज दिया जाता है। तो इसके जो शीशा लगाना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये परत को एक दूसरे पर रख दीजिएगा तो ऐसे बिस्किट की तरह बिखर जाएंगे। इसको बांधना जरूरी है तो साइड साइड से ऐसे लोहा का फ्रेम लगा के और उसको कस दिया जाता है ताकि ये अलग अलग ना हो। सोलर सेल जो होता है वो बहुत छोटा डिवाइस होता है सोलर सेल। इसकी क्षमता इतनी कम होती है 0.5 वोल्ट, यानी आधा वोल्ट। आधा वोल्ट पे तो कुछ नहीं चलता है भाई साहब। हम लोग के यहाँ जो पंखा भी चलता है 220 वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट पे तो बैटरी वगैरह चलती है, छोटे छोटे बल्ब वगैरह। तो ये तो 0.5 वोल्ट देता है, तो ये सोलर सेल किसी काम का नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, यूनिटी हैव स्ट्रेंथ, आप पढ़े होंगे एकता में बल है। इसी सोलर सेल को जब आप कई ठो इकट्ठा कर देते हैं तो इससे बन जाता है सोलर मॉड्यूल। अब यहाँ देखिए ये अकेला है तो ये सोलर सेल है, और ये क्या बना दिए हैं सोलर मॉड्यूल। इस सोलर मॉड्यूल में 72 सोलर सेल है। अब एक सेल का वोल्टेज 0.5 है तो 72 सेल से कितना वोल्टेज बन जाएगा, 36 वोल्ट का। 36 वोल्ट तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया। अब हमको इससे भी ज़्यादा करना, आप जो खरीद के लाते हैं ना बाजार से एक प्लेट लेके आते हैं ऐसे वाला, तो आप सोलर मॉड्यूल खरीद के लाते हैं, बोलते हैं सोलर पैनलें खरीद के लेके आए हैं। तो ये सोलर मॉड्यूल हो गया, इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो गया। अब पता चला इससे भी इसका भी ग्रुप बना दे, तो सोलर मॉड्यूल का जब आप ग्रुप बनाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं सोलर पैनल। एक आदमी व्यक्तिगत जो लेके आता है वो सोलर मॉड्यूल लेके आता है, लेकिन आप देखते हो ना घर के ऊपर आदमी बिछा देता है तो वो क्या बिछा देता है, आपका सोलर पैनल। और पूरे छत के ऊपर बिछा देना है पूरा ज़्यादा एरिया में तो उसे कहते हैं सोलर एरे। ये और भी ज़्यादा होता है, बस इसी का एक संख्या बढ़ाते जाइए। और सोलर एरे से भी बढ़ाना है तो एक ही बार आप सोलर पार्क लगा दीजिए, तो जो पूरा खेते भर दीजिए आपका 20 बीघा में, तो ये हो गया आपका सोलर पार्क। ये सोलर पार्क जो है पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े सोलर पार्क हैं उस 5 बड़े पार्क में 3 तो इंडिया में ही है। इतना बेहतरीन अचीवमेंट है हम लोग का। लेकिन इस सोलर पार्क की सबसे बड़ी खराबी नहीं, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। उसके बाद से इनके ऊपर सफाई करनी पड़ती है, धूल जम जाएगा तो उतना अच्छा से वर्क नहीं करेंगे, बादल रहेगा तो उतना अच्छा से वर्क नहीं करेंगे, बारिश हो गया फिर भी उतना नहीं करेंगे, 24 घंटे तो ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक दिन रहेगा तब तक ये वर्क करते हैं। अब ये जो सोलर सेल होते हैं, मतलब मॉड्यूल का ये सेल, बस उसकी तो संख्या बढ़ा रहे हैं आप, तो इसकी भी 3 कैटेगरी होती है। ये बेसिकली 2 ही मेन यूज होती है, एक होती है मोनोक्रिस्टलाइन और एक होती है पॉलीक्रिस्टलाइन, और एक होती है थिन फिल्म। थिन फिल्म का यूज बहुत कम होता है, ये पतला होता है, बहुत कम यूज होता है इसका, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है तो इसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बस यहाँ समझिए, ये जो ब्लैक कलर का होता है ये होता है मोनोक्रिस्टल, और ब्लू कलर वाला होता है पॉलीक्रिस्टल। ये वाले ज़्यादा बढ़िया होता है, ये कम बढ़िया होता है। ये कम रोशनी में भी काम करेगा, इसके लिए फुल रोशनी चाहिए। इसमें क्या है कि मतलब बादल वगैरह भी रहेगा तो भी काम कर देगा। इसके लिए भैया बादल नहीं चाहिए, आपको एकदम पूरा कड़कड़ा के धूप चाहिए। यानी अगर आप राजस्थान में हैं तो आप ब्लू वाला लगा सकते हैं, आपको धूप भयानक मिलता है। लेकिन आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे एरिया में हैं तो फिर गलती से भी पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं लगाइएगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोनोक्रिस्टलाइन लगाना पड़ेगा। अब इसकी फैसिलिटी ज़्यादा है तो ये महंगा भी आता है, ये थोड़ा सस्ता रहता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है
होती है, इसकी लाइफ कम होती है, ये वोल्टेज ज़्यादा दे देता है, ये वोल्टेज उतना कम देता है। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप प्रॉपर है तो आप ये वाला लीजिए ब्लू और पॉलीक्रिस्टलाइन, और अगर धूप ज़्यादा नहीं है तो मोनोक्रिस्टलाइन लीजिए। गवर्नमेंट ज़्यादातर मोनोक्रिस्टलाइन लेती है क्योंकि उसके पास पैसे एक बार इन्वेस्ट करना रहता है। मोनोक्रिस्टलाइन में एक चीज़ देखेंगे ना, यहाँ पर एक इस टाइप का गोल गोल मिलेगा, यानी इसके जो सेल होते हैं वो क्रॉस में नहीं होते हैं, हल्का सा यहाँ पर घूमे रहते हैं इस टाइप में, जिस वजह से यहाँ पर आपको गोल गोल मिलेगा, जबकि इसके जो सेल होते हैं वो एकदम स्क्वायर में होते हैं सब, तो इसमें ऐसे लाइनिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल में दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, पैसे का डिफरेंस है। आपको ही पता है, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो जेन्युइन है, ज़्यादा सामान अच्छा सामान मिलेगा, कम पैसा लगाएंगे तो थोड़ा तो कम मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। देखिए, हम लोग कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं, इससे क्या होता है, कोयला लॉस होता है, प्रदूषण होता है, 75 टाइप की बीमारियाँ होती है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग एक ठो प्रदूषित वातावरण दे के जाते हैं। हमारे पूर्वज हमें एक साफ सुथरा वातावरण दिए, लेकिन हम अपनी पीढ़ियों के लिए एक बहुत गलत मैसेज दे के जा रहे हैं कि भैया हम खुद ही इतना गंदा कर देंगे, तुम लोग से जुड़े लोग, छोटा बच्चा जब दूध पिएगा ना तो बगल में ऑक्सीजन भी लेकर बैठेगा, इतना पोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो इसलिए इंडिया बहुत तेजी से सजग हुआ, और इसमें तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे कोची एयरपोर्ट की। कोची एयरपोर्ट जो थी, केरल की कोची एयरपोर्ट, उसने सोचा कि हमारा जो बिजली बिल आता है, एयरपोर्ट की बहुत बिजली बिल आती है, बहुत इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है एयरपोर्ट पर, तो उसका बिजली बिल 15 करोड़ रुपये आता था सालाना। एयरपोर्ट ने कहा कि 15 करोड़ बिजली बिल को कैसे बचाया जाए, तो इसने सोचा कि कुछ ऐसे जगह हैं जैसे जहाँ पे गाड़ियों का स्टैंड है, पार्किंग वगैरह है, अब जो बाहर रिसीव करने जाएंगे, फोर व्हीलर लगाएंगे, पार्किंग का एरिया होता है, तो उसने सोचा कि उस बाहर की लाइटिंग को हम सोलर प्लांट से कर देते हैं। तो उसने 400 सोलर पैनल लगा दिए, जो उसके बाहर के ऑटो स्टैंड थे उसके ऊपर छतरी पर लगा दिया, उससे काफ़ी बिजली फायदा हुआ। धीरे धीरे करके आज कोची एयरपोर्ट ने वो 400 से बढ़ा के 46,000 पैनल लगा दिया है वहाँ पे, 46,000 पैनल। इस 46,000 पैनल लगाने में उसे 62 करोड़ रुपए की लागत आया था, 62 करोड़। अब आप सोचिए, हर साल वो 15 करोड़ तो वैसे ही दे रहा था, चार साल में तो उसका 62 करोड़ रुपया निकल गया बिजली बिल के रूप में। आज एक कोची एयरपोर्ट इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो बिजली बिल पर 1 रुपया नहीं खर्चा करता है, सोलर एनर्जी से बिजली को ले लेता है। उसने हर साल अपना 15 करोड़ रुपए बिजली बिल बचा लिया, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लिया, आने वाली पीढ़ियों को मैसेज दिया कि देखो, लाख चुनौतियों के बावजूद जो भारत को एक पिछड़े देश में गिनती किया जाता है, जो दुनिया नहीं सोची, वो हम करके दिखा दिए। और इससे फायदा क्या होता है, जब आप कुछ करते हैं ना तो लोगों के अंदर आपसे एक प्रेरणा लेने को मन करने लगता है और वो भी आगे बढ़ते हैं। यही सेम और सेम स्टेप उठाया जो एयरपोर्ट का जो खाली एरिया होता है, रनवे पे ही ना जहाज उतरती, अगल बगल के खाली एरिया जो उसकी बिल्डिंग्स थी, पार्किंग एरिया, एक्स्ट्रा एरिया जितने होते हैं, उस सब पे कोचिंग एयरपोर्ट ने क्या किया, पूरी तरह से सोलर प्लांट लगा दिया। इसी को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट ने कहा कि हम क्यों पीछे रहेंगे, कोलकाता एयरपोर्ट भी जो है ना अपने ऊपर पूरी तरह से सोलर पैनल लगा दिया है। तो इस वक्त में कोलकाता एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट पूरी तरह से आप कह दीजिए तो एक सोलर प्लांट पर अब चलने के लिए तैयार है। आशा करते हैं कि भारत के अन्य एयरपोर्ट भी इसे देखकर अपने आप को सुधारेंगे और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट पर आश्रित हो जाएंगे। साथ ही इंडियन रेलवे को कहेंगे, जब आप क्यों पीछे रह रहे हैं, आपके पास तो जमीन की कोई कमी नहीं है, पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर बिछा दीजिए सोलर पावर प्लांट, ताकि जो एनर्जी हो सके कम से कम हम फ्यूल को जला सके, कोयला पेट्रोलियम इस सब से बिजली बनाना पर्यावरण के लिए सही नहीं है। इस सब को देखते हुए मोदी जी ने ऐलान किया पूरी दुनिया में, देखिए ग्रीन एनर्जी को लेकर मोदी जी शुरुआत से ही है। 2015 में इन्होंने इंटरनेशनल सोलर एलियंस बनाया था, सौर्य पुत्र बोला था कि जहां 121 देश जिन्हें धूप बहुत ज्यादा मिलता है वो लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए मोदी जी वन वर्ल्ड वन ग्रीड वन सन का जो है नारा दिया कि भैया एक ही सूरज है, एक ही ग्रीड बना दीजिए, आपको बिजली मिलती है आप हमें दे दीजिए, हमारे पास जब होगा तो हम आपको दे देंगे, यानी सारे वर्ल्ड को ये कनेक्ट करना चाहते हैं। अब इतना पैसा आएगा कहीं से, तो इन्होंने कहा कि भैया जिस तरह से एक वर्ल्ड बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, उसी तरह एक ठो वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की बात कही, ताकि जिसमें हर एक देश उसमें पैसे देंगे और एक बड़ा सा बैंक बनाया जाएगा, जो गरीब देश है इस बैंक से पैसे लेकर अपने सोलर प्लांट को बना सकते हैं, और उस सोलर अब ये कर्जा लोन लेंगे, अब लोन कैसे चुकाएंगे, तो वो देश जो बिजली बिल भरते थे या बिजली पे खर्च करते थे, अब तो बिजली पे खर्च करना नहीं पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका सोलर प्लांट, अब वो क्या करेंगे, वो पैसे से बैंक का लोन भर सकते हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक लंबा चौड़ा फ्रेमवर्क बनाया, जैसे देखिए वन ग्रिड की जरूरत कैसे है, अभी एक ग्लोब दिख रहा है, एक और यहां रात है और एक और यहां पे दिन है,
यही है। तो यहाँ पे तो सोलर से बिजली बनाई जा सकती है, यहाँ अब सब कुछ जुड़ा रहेगा, तो यहाँ वाली सप्लाई यहाँ दे सकते हैं, कल को यहाँ हुआ तो यहाँ से ले आ सकते हैं। तो इस तरह से ग्रिड की काफ़ी ज़रूरत है। ये ग्रिड समुद्र के अंदर से जाएंगे, जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर जाते हैं उसी तरह से केबल लगा के आप समुद्र के अंदर से करेंट को ले जा सकते हैं, लीकेज का कोई झमेला नहीं होता है। 2015 में जो मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर एलियंस शामिल किया है, इसमें 121 देश है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये ज़्यादातर सनशाइन कंट्री है। सनशाइन किसे कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूरज रहता है, यानी सूर्य की किरणें यहीं पर लंबवत चमकती है। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, तिरछी रोशनी में सूरज में उतना दम नहीं रहता है, जैसे सुबह के वक्त में सूरज की रोशनी तिरछी आती है और शाम में भी, तो उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ सूर्य की रोशनी सीधा पड़ने लगता है, जिस वजह से इस बीच वाले एरिया को हम सनशाइन बेल्ट कहते हैं। इसी में इंडिया आता है, तो इसी के लिए बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है। नया इनिशिएटिव जो वन सन वन ग्रिड की बात किया गया रहा है, वन वर्ल्ड का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि हम अपने अगल बगल के एरिया में, खास करके पहले मिडिल ईस्ट और इधर आसियान वाले देशों में, हम सोलर पावर प्लांट को बिछाएंगे और इंडिया से इसे कनेक्ट करेंगे कि भाई साहब हम लोग आपस में जिसके यहाँ ज़्यादा सूरज निकला वो अपने अगल बगल में ट्रांसफर करें। सेकेंड फेज में हम अफ्रीका को देंगे। अफ्रीका जो है ना भाई साहब, ये तो मरुस्थलीय ज़्यादा क्षेत्र है, सारा मरुस्थल पूरा यहाँ पर, और यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ हम लोग अपनी पहुँच बना सकते हैं सेकेंड फेज में। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम इन्हें लोन देंगे, हम इन्हें टेक्नोलॉजी देंगे, तो मजबूरी में ये लोग सोलर पावर जो पैनल है वो कहाँ से खरीदेंगे? इंडिया से खरीदेंगे। तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, हर तरह से फायदा। और बदले में हम लोग अफ्रीका को या दुनिया को अपने कर्ज के जाल में नहीं फंसाएंगे। इन लोग की बिजली बचेगी, कोयला बचेगा, पेट्रोलियम बचेगा, ताकि ये दूसरे देशों से आयात ना कर सके, और पूरी पृथ्वी को हम लोग एक तरह से एक ग्रीन एनर्जी दे सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकते हैं। अगर ये भारत का सपना साकार हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जाएगा। ये एक तरह से चाइना का जो एक है वन बेल्ट वन रोड जो है इनिशिएटिव, उसमें तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है, लोन दो चुका ही नहीं पाओगे। उसके बदले ये भारत का एक तरह से आप उसका काउंटर पार्ट करके आप देख सकते हैं। अब भारत को ये तभी साकार होगा जब भारत सरकार अपने सोलर पावर प्लांट की जो उत्पादन की क्षमता है उसे बढ़ाए। अफसोस की बात यह है कि अभी हम लोग उतने अच्छे से सोलर पावर प्लांट की फैक्ट्री नहीं स्टेबल कर पाए हैं। अगर आप चाइना को देखिएगा तो चाइना भी इस समय पूरी दुनिया में सोलर पैनल बनाने में एक लीडिंग कंट्री है। उसने इसको कैसे बढ़ाया? तो पहले उसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, हर चीज़ मशीनों को ऑटोमेटिक कर दिया, जिस वजह से इसकी असेंबली लाइन बहुत ही सटीक तरीके से एकदम वेल फिनिश पैनल बनाती है और बहुत ही कम दाम में एकदम ए ग्रेड का बना देती है। जबकि आप अगर इंडिया को देखिएगा तो इंडिया में जो सोलर पावर प्लांट है वो आज भी फुली ऑटोमेटिक नहीं चल के सेमी ऑटोमेटिक है, उसमें मेन पावर को लगाना ही पड़ता है। अब आदमी इतना भी अच्छा हो जाए मशीन से धीमा ही काम करेगा, तो हमारा प्रोडक्शन रेट थोड़ा सा नीचे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, जैसे जल्दी से गवर्नमेंट वन सन वन बेल्ट वन वर्ल्ड को आगे बढ़ाएं, तो वन ग्रिड को जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो भारत में भी सोलर पावर प्लांट बढ़ने लगेंगे। जिस एक वक्त था जब हमारे यहाँ मास्क नहीं बनते थे, PPE किट नहीं बनते थे, जैसे कोरोना आया दुनिया इधर उधर से आना बंद हुआ, हम लोग पूरी दुनिया में सबसे आगे चले गए मास्क वगैरह बनाने में, उसी तरह एक वक्त आएगा जब हम सोलर पावर प्लांट में भी आगे बढ़ेंगे। रही बात सेमीकंडक्टर की, तो जो क्लास में पढ़ाते हैं तो पहले तो आपको हम सेमीकंडक्टर पढ़ाते हैं, फिर डॉपिंग अलग से पढ़ाते हैं, फिर जंक्शन अलग बनाते हैं PN जंक्शन, उसके बाद सोलर प्लांट बनाते हैं। जबकि इस वीडियो में हम आपको पूरी चीज को एक ही में बताएं, तो आपको थोड़ा बहुत यहां कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि जब इसका हम स्पेशल अलग से बताएंगे PN जंक्शन डायोड क्या होता है, तब इस पे फुली फोकस करेंगे, वो आपको इसको हम क्लास में फिजिक्स चैप्टर में पूरी तरह से समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।